अयोध्या में भव्य मंदिर में रामलला के विराजमान होने के बाद पहली रामनवमी की तैयारियां जोरों पर। और आप देखिए क्या सुंदर दिख रहा है राम मंदिर, गजब दिख रहा है भाई। 17 अप्रैल यानी कल रामनवमी का पर्व जो है वो पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा और इसके लिए श्रीराम की नगरी एक बार फिर से सज रही है। 22 जनवरी को अयोध्या में जैसा माहौल था, अयोध्या से श्रीराम का संदेश पूरे देश में गया था, वैसा ही माहौल फिर से बन रहा है। हर तरफ रामलला और रामनवमी की ही चर्चा हो रही है। इसे संयोगी कहेंगे कि भारत में दो बड़े पर्व एक दिन के अंतर पर मनाए जाएंगे। 17 अप्रैल को रामनवमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा और उसके एक दिन बाद ही लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व शुरू होगा। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा, यानी एक दिन का गैप है बस दोनों के बीच। लोकतंत्र के पर्व की बात आगे करेंगे और यह भी बताएंगे कि राम मंदिर का चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, लेकिन पहले रामनवमी और अयोध्या की बात। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब फिर से अयोध्या एक बार फिर तैयार है। 500 सालों के इंतजार के बाद राम मंदिर बना और मंदिर में रामलला के विराजमान होने के बाद पहली रामनवमी है, तो यह दिन खास तो होना ही है। और इसके लिए अयोध्या में जो तैयारियां हैं उसकी एक एक डिटेल सुनिए। उससे पहले एक छोटी सी झलक देखिए, जरा क्या खूबसूरत राम मंदिर को सजाया गया है, मन गदगद हो जाएगा। फिर डिटेल बताएं, भारत की नई अयोध्या पूरे आन बान शान के साथ दुनिया को श्रीराम का संदेश दे रही। एक बार सुनिए लोग क्या कह रहे हैं, फिर बताऊंगा कि अयोध्या में रामनवमी की शानदार तैयारियों में क्या क्या हुआ है और कैसे सूर्य तिलक की तैयारियां हो रही हैं। हम रोहतास जिला बिहार से चल करके अयोध्या नगरी में आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। 500 साल के बाद आज ये दिन देखना मिल रहा है, तो मोदी की जय हो। दर्शन करने के लिए ठीक है ना, हम उनसे चरणों में गिरते हैं, उनसे हम मदद मांगते हैं, बराबर दिल में रखे हैं हम कि राम से हम भेंट करेंगे जरूर। हार्दिक इच्छा था कि भगवान राम का मंदिर बनेगा, तो हम लोग एकदम पुनः एक बार फिर 32 बरस के बाद आए हैं भगवान राम के दर्शन करने के लिए। जय श्री राम। बहुत सुंदर है और बहुत अलौकिक है, बहुत आनंद हो रहा है, एक अद्भुत दर्शन दिखाई दे रहा है, अच्छा लगता है। देखिए हम आपको बताएं कि नई अयोध्या और पुरानी अयोध्या में जमीन आसमान का फर्क है। फर्क की बात की जाए तो अयोध्या आज की अयोध्या ये मान के चला जाए विश्व में एक अलग स्थान रखती है। आज पूरा विश्व अयोध्या की तरफ देख रहा है। व्यापार तो यहाँ पे बहुत बढ़ गया है और सब लोग जो बेरोजगार थे वो वहाँ पे धंधा कर रहे हैं, अच्छी अच्छी और पैसे भी अच्छे कमा रहे हैं। राम जी आए और सबको पैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे मिल गए। विकास तो बहुत बढ़ा, विकास की बात न करें, विकास तो बहुत बढ़ा, उसकी तुलना में विकास बहुत बढ़ा। अब आप खुद ही सोचिए, दो दिन बाद वोटिंग होनी है और रामनवमी के पहले अचानक पूरे देश में रामलला की चर्चा, राम मंदिर की चर्चा, नरेंद्र मोदी के वजह से राम मंदिर बन गया इसकी चर्चा होने लगी है, विकास कैसे नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में कर दिया इसकी चर्चा होने लगी है, तो चुनाव पे जब वोट डालने जाएगा आदमी तो असर तो पड़ेगा ना। रामनवमी पर अयोध्या को किस तरह से सजाया जा रहा है आप खुद देखिए। पूरी अयोध्या को 5000 किलो फूलों से सजाया जा रहा है, 200 लोग दिन रात इसी काम में लगे। राम मंदिर की सजावट बेहद शानदार तरीके से की जा रही है, गुलाब के फूल, गेंदा, चमेली, मोगरा जैसे कई किस्म के फूलों से राम मंदिर को त्रेता युग की तरह सजाया जा रहा है। 17 अप्रैल को राम मंदिर का वो रूप दिखेगा जो आपने पहले शायद ही देखा हो। रामनवमी के अवसर पर रामलला के लिए विशेष किस्म के लड्डू भेजे जा रहे हैं, इन लड्डुओं का भोग रामलला को लगाया जाएगा। मिर्जापुर से 1,11,111 किलो लड्डू को अयोध्या भेजा गया है। इन लड्डुओं को काशी और प्रयागराज के कारीगरों ने खास तौर पर रामनवमी के लिए ही बनाया है। रामनवमी पर रामलला को 56 भोग का भी अर्पण किया जाएगा। इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यही वो 56 भोग है जो रामलला को अर्पित किया जाएगा। रामनवमी पर अयोध्या में देश भर से लाखों भक्त आएंगे। गर्मी के मौसम में भक्तों को परेशानी ना हो इसके लिए अयोध्या की सड़कों पर कारपेट बिछाया गया है। सड़क पर कारपेट, राम भक्तों का VIP ट्रीटमेंट। जगह जगह हेल्थ सेंटर बनाए गए हैं, हेल्प सेंटर भी बनाए जा रहे हैं, हेल्थ सेंटर और हेल्प सेंटर, जहां परेशानी की स्थिति में भक्तों की मदद की जाएगी। अयोध्या में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं उस पर एक ग्राउंड रिपोर्ट भी बताऊंगा। देखिए फिर बताऊंगा कि रामनवमी पर अयोध्या आने से पहले आपको करना क्या है यह भी जान लीजिए, सीधे मत पहुंच जाइएगा।
अयोध्या में रामनवमी को खास बनाने के लिए पूरी अयोध्या को सजाया संवारा जा रहा है। इस वक्त तमाम जो सड़क हैं, जो गेट्स हैं, वहाँ पे फूलों से प्रभु श्री राम के लिए तैयारियां की जा रही है, अयोध्या को सजाने की तैयारी हो रही है। कहाँ कहाँ से फूल आ रहे हैं सब? ये दिल्ली से आया है और कुछ फूल थाईलैंड का भी है। अच्छा। और ये कलकत्ता का गेंदा है। तो पूरे अयोध्या में सजाना है, कहाँ कहाँ सजाने की जिम्मेदारी दी गई आप लोगों को? ये 11 नंबर गेट है, मंदिर है और बिरला धर्मशाला वाला मेन गेट है। अरे पूरा मंदिर पूरा सज रहा है, पूरा एरिया परिसर, पूरा मंदिर के आसपास के इलाका सजाया है, पूरा इलाका सज रहा है। कल सुबह 7 बजे तक जो अयोध्या की तस्वीर होगी वो बिल्कुल बदली होगी। जो लोग अयोध्या में आएंगे प्रभु श्री राम लला के दर्शन के लिए, उन्हें एक सजी सवरी अयोध्या दिखाई दे, इसकी ही तैयारी जो है अयोध्या में जोरों पर की जा रही है। रामनवमी पर कई रिपोर्ट्स में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 50 लाख से ज्यादा भक्त अयोध्या आ सकते हैं, 50 लाख। ऐसे में राम मंदिर ट्रस्ट ने भी खास तैयारियां की हैं। 16 अप्रैल से 19 अप्रैल तक सभी वीआईपी पास रद्द कर दिए गए। कोई वीआईपी नहीं भाई, सब राम भक्त वीआईपी हैं। वीआईपी लोगों से अपील की गई है कि 19 के बाद दर्शन कराइएगा। आम हो या खास, सभी के लिए एक जैसे दर्शन की व्यवस्था की गई है। लोगों से अपील है कि वो मोबाइल लेकर मंदिर ना आए, ताकि वहां पर फोटो खींच रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसमें टाइम वेस्ट होगा, फिर भीड़ लग जाएगी, फिर दिक्कत होगी। रामनवमी पर श्री राम की विशेष पूजा और आरती का भी प्रबंध है। रामलला के विराजमान होने के बाद पहली रामनवमी बेहद खास होने वाली है, और इसके लिए राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से जानकारी दी गई कि किस समय कौन सा कार्यक्रम होगा। सुबह 3 बजे से पूजा शुरू हो जाएगी। 11 पुजारी रामलला की पूजा करेंगे। रामलला सोने चांदी के वर्क से बने पीले वस्त्र पहनेंगे, सोने का हार, सोने का मुकुट धारण करेंगे। फिर सुबह 3:30 बजे मंगला आरती होगी, रामलला का जलाभिषेक और पंचामृत अभिषेक होगा। सुबह 5 बजे मंदिर के कपाट खुलेंगे और दोपहर 12 बजे जन्मोत्सव मनाया जाएगा। रामलला को 56 व्यंजन का भोग लगाया जाएगा, 4 तरह की पंजीरी होगी, पंचामृत का अर्पण होगा। उसके बाद रामलला की आरती होगी। शाम 4 बजे रामलला को जलपान दिया जाएगा, 6 बजे फिर से आरती होगी और रात 12 बजे तक दर्शन होंगे। रामनवमी के अवसर पर रामलला के दर्शन का समय भी बढ़ाया गया है, जिससे इतने सारे जो भक्त आ रहे हैं वो सब दर्शन कर सके। रामनवमी पर रामलला का सूर्य अभिषेक भी किया जाएगा, जिसकी तैयारी कई दिनों से चल रही है। रामनवमी पर दोपहर 12 बजे ये देखिए सूर्य की रोशनी से तिलक होगा। दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणें रामलला के मस्तक पर पड़ेंगी। सूर्यवंशी श्री राम का अभिषेक खुद सूर्यदेव करेंगे। ये तस्वीरें देखिए जिसमें सूर्य अभिषेक कैसे होगा, इसकी तैयारी करती हुई जो की गई है वो दिख रही है। इसी तरह से सूर्य की रोशनी रामलला के मस्तक पर पड़ेगी और सूर्य अभिषेक होगा। रामनवमी पर करीब 4 मिनट तक रामलला का सूर्य अभिषेक होगा। सूरज की किरणें राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान रामलला तक कैसे पहुंचेंगी ये भी आपको बताता हूं। इसके लिए वैज्ञानिकों ने ऑप्टो मैकेनिकल सिस्टम तैयार किया है। इसमें रिफ्लेक्टर है, मिरर है और लेंस के अलावा पीतल के पाइप लगाए गए। मंदिर की 3री मंजिल पर एक बड़ा रिफ्लेक्टर लगाया गया है, जो सूर्य की रोशनी को मिरर और लेंस की मदद से पाइप के जरिए नीचे की तरफ मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचाएगा। इस पाइप का अंतिम छोर रामलला के मस्तक के बिल्कुल सामने होगा। मतलब जैसे इसको मान लीजिए कि यह पाइप है और यह पाइप यहां पर है, ऐसे सिर के सामने रखिए और यहां से जो है आप देखिए ऐसे ऐसे करके जो है ये ऐसे सिर पे ऐसे पाइप से लाइट निकलेगी और वह आएगा। सूर्य किरण निकलकर रामलला के मस्तक पर सूर्य तिलक की आकृति बनाएंगे। ये सूर्य तिलक 17 अप्रैल को दोपहर ठीक 12 बजे दिखाई देगा। सूर्य तिलक करीब 4 से 6 मिनट तक रामलला के मस्तक पर दिखाई देगा और इसका साइज करीब 75 मिलीमीटर के आकार का होगा। इस तकनीक को IIT रुड़की में मौजूद CBRI यानी सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है। इसमें सूर्य की गति की कैलकुलेशन के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स की मदद ली गई। यानी अयोध्या में 17 अप्रैल को दोपहर 12 बजे सूर्य किस तरफ होगा इसकी गणना निकाली गई है। एक तरफ अयोध्या में भव्य राम मंदिर की तैयारी चल रही है तो दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सवाल पूछते रहते हैं कि राम मंदिर बनने से क्या हो जाएगा। कई लोग 1 करोड़ भक्त दर्शन कर चुके हैं, यानी जनवरी से मार्च मुश्किल से 2 महीने के अंदर 1 करोड़ भक्त। अभी तो पूरा साल बचा हुआ है, मतलब वेटिकन सिटी और मक्का में सालों पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया था, जबकि अयोध्या का कायाकल्प होना तो अब शुरू हुआ है।
फिर अयोध्या आने वाले भक्तों की संख्या वेटिकन और मक्का जाने वालों से ज्यादा है। आने वाले समय में भक्तों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से ठीक एक दिन पहले अयोध्या में रामनवमी की धूम से कई लोगों के पेट में दर्द भी होने लगा। रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाली जाती है, उससे भी कुछ सरकारें सुरक्षा का हवाला देकर रोकने की कोशिश करती है। बंगाल में ऐसा ही कुछ देखने को मिला। बंगाल के हावड़ा में हर साल रामनवमी पर शोभा यात्रा निकलती है। इस बार पुलिस ने शोभा यात्रा निकालने की इजाजत नहीं दी। इस पर हिंदू संगठनों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई। हाईकोर्ट ने शोभा यात्रा निकालने की अनुमति दे दी। हाईकोर्ट ने कहा कि शोभा यात्रा में 200 से ज्यादा लोग ना हो। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर सरकार 200 लोगों को भी नहीं संभाल सकती तो क्या ही कहा जाए। अगर सरकार के पास पर्याप्त पुलिस नहीं है तो केंद्रीय बलों से मदद ले सकते हैं। यानी हाईकोर्ट के कहने पर शोभा यात्रा निकलने के दिन आ गए। इसी मुद्दे पर आज बंगाल में चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी ने ममता सरकार को आड़े हाथ लिया। पीएम मोदी ने कहा कि ममता सरकार ने रामनवमी का उत्सव रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिर में सत्य की जीत हुई। बंगाल में पूरी श्रद्धा के साथ शोभा यात्रा निकलेगी। सुनिए पीएम मोदी को, फिर बताऊंगा कि लोकसभा चुनाव पर राम मंदिर का कितना असर पड़ेगा। पहली रामनवमी है जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर में राम लला विराजमान हो चुके हैं। मुझे पता है टीएमसी ने हमेशा की तरह यहां रामनवमी उत्सव को रोकने की पूरी कोशिश की, सारे षड्यंत्र किए, लेकिन जीत सत्य की ही होती है। इसलिए कोर्ट से अनुमति मिल गई है और कल पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ रामनवमी की शोभा यात्राएं निकलेगी। मैं आपको और बंगाल के मेरे सभी भाइयों बहनों को इस अवसर पर बधाई देता हूं। आपको यह भी याद होगा कि किस तरह से राजनीतिक दलों ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से दूरी बनाई थी। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को बीजेपी का कार्यक्रम बताया गया था। अगर चुनाव में राम मंदिर मुद्दे के असर की बात करें तो सीएसडीएस के मुताबिक उत्तर और पश्चिम भारत के 51% लोगों को लगता है कि राम मंदिर से हिंदू एकजुट होंगे। दक्षिण भारत के 43% और पूर्वी भारत के 45% लोगों को भी यही लगता है कि राम मंदिर हिंदुओं को एकजुट कर रहा है। यानी राम मंदिर बनने और मंदिर में रामलला के विराजमान होने से हिंदू एकजुट हुए हैं और हिंदू पहचान से लोग गर्व का अनुभव कर रहे हैं। यानी राम मंदिर मुद्दा है इस चुनाव में। और पहले वोटिंग से पहले, दो दिन पहले रामनवमी और रामलला के लिए जो तैयारियां हो रही हैं वो हर वोटर के मन में जगह तो